नदी में साइड इज अ मार्केटिंग ट्रेनर। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, वेबसाइट के टर्म्स, वेबसाइट के बारे में कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट के लिए स्टैटिक, डायनामिक, सेम ऐसा हमारा थर्ड पॉइंट था कि वेबसाइट बनाने के लिए एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। क्या दो फैक्टर हैं, एक हमारा है डोमेन, दूसरा हमारा है होस्टिंग। दोनों ही चीज़ मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल एडवांस दिखाऊंगा, विथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और इसका फिर आपको मैं एक बताऊंगा किसके बारे में आगे बताऊंगा, मैं आपके होस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि होस्टिंग क्या होती है। पहले अभी देखिए हम बात करते हैं डोमेन के बारे में। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट के लिए हमेशा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमें एक डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है। डोमेन क्या होता है, वेबसाइट का नाम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा facebook.com, तो ये facebook और .com दो चीज़ें हैं, एक डोमेन है और जो लास्ट में com है ये एक्सटेंशन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखो facebook.com, अब आप लोग देखो facebook.com, facebook.in, facebook.org, इनमें डिफरेंस क्या है। तो जितने भी लास्ट में .com, in, org, edu, ये सारे एक्सटेंशंस हैं, इनकी स्पेसिफिक वैल्यू है। पर इसे जो आगे आप देख रहे हो, जो पहले होता है www के बाद, जब भी आप URL ऐड करते हो, आप लोग पूछोगे सर ये URL क्या है, URL जब भी आप वेबसाइट में डालते हो ना, www, इसी को हम URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको बनाने के लिए डोमेन लेना कंपलसरी है। डोमेन हम परचेस करते हैं, क्यों करते हैं, वो नाम पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आपके पास ही रहे। अब हम किस बिहाफ पे लेंगे, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट होती है। हम वेबसाइट बनाने के लिए, आप कोई भी टाइप के बिजनेस कर रहे हो, किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, वेबसाइट बनानी है आपको डोमेन लेना पड़ेगा। आप पूछोगे सर डोमेन क्या होता है, देखो डोमेन हमारा एक नाम है जिस नाम से हम कंपनी चला रहे हैं। सपोज करिए मेरी कंपनी का नाम है सफलता क्लासेस, तो मैं सफलताclasses.com भी ले सकता हूँ, सफलता.com भी ले सकता हूँ, अमरउजाला.com, ये क्या है, डोमेन नेम है और ये आपको परचेस करना पड़ता है। मतलब वेबसाइट के लिए कंपलसरी है कि आपको डोमेन नेम लेना ही पड़ेगा, इसके बिना आपकी वेबसाइट नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया सर, कैसे ले ले, कहां से ले ले और कितना अमाउंट लगे, ये सब कुछ ही मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। जैसे अगर आप अभी पूछे सर डोमेन क्या है, अ नेम दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिटी एंड रीच योर वेबसाइट, सिंपल मीनिंग है एक ऐसा नाम जिस नाम से आप लोगों को बताओगे कि ये मेरी कंपनी का नाम है। सर्च अभी कोई सपोज करिए आपने सर्च किया सफलता, तो आपके माइंड आ जाएगी हाँ सफलता.com में सब कुछ इसके बारे में ही है, तो हम उस अकॉर्डिंग ही नाम लेते हैं जिस अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस है। और बिजनेस की पूरी आइडेंटिटी हमारा किस पे चलता है, नाम पे चलता है, इसी के रिलेवेंट हमारा लोगो भी है जो आपको मैं आगे बताऊंगा। अब इसमें आप एक देख रहे हो, ईच डोमेन इज एसोसिएटेड विथ आईपी एड्रेस एंड सर्वर। अब ये क्या हो, जब भी आपने देखा होगा जो .com से वाले, आप देखते हो ना कि www, http, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस और सर्वर। जैसे आपको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, जैसे देखिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा https, मैं एक बार इसको आप लोगों ने कई बार देखा होगा https://www, जो इतना पार्ट आप देखना हमेशा URL के अंदर आपको मिलेगा, हमेशा मिलेगा, हमेशा। अब ये जितना भी आप पार्ट देख रहे हो, ये पूरा हमारा पार्ट प्रोटोकॉल के अंदर आता है। इसी को हम प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं, आप इसी को आईपी एड्रेस के साथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो इसके साथ जैसे आपने सर्च किया, जैसे आपने सर्च किया गूगल, आपने गूगल सर्च किया google.com, करेक्ट। तो जो ये गूगल आप देख पा रहे, ये इतने पार्ट को हम बोलते हैं डोमेन नेम। यही हमारा मेन होता है कि हम कौन सा नाम ले रहे हैं, ये और साथ में ये जो वैल्यू लगता, जो हम पैसा पे करते हैं, हमारा पैसा इसके ऊपर डिपेंड होता है, इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। अब ये क्या है, ये कैसे लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर पहले समझते हैं कि हमें डोमेन किस बिहाफ पे लेना है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हम पूरा नाम ले ले क्या, कि जैसे किसी का है कि इंटरप्राइजेस, शुभम इंटरप्राइजेस पे मैं पूरा नाम ले लूं, नहीं, इतना ज्यादा आपके जाने की रिक्वायरमेंट नहीं। अभी आपको मैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हूं। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो,
जब भी डोमेन परचेस करना है आपके माइंड हमेशा एक चीज होनी चाहिए, क्या, कि यूज समथिंग रिलेटेड टू योर बिजनेस और इंडस्ट्री। एक ऐसा नाम लीजिए जो आपके बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, इंडस्ट्री को डायरेक्ट क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट कार्ड देख रहे हो, ये कार्ड का मीनिंग कुछ ना कुछ परचेस करना, 99 acres, है ना, तो ये क्या थोड़े से नाम है। अब कई बार बोलोगे सर स्विगी क्या है, जोमेटो क्या है, कोई मीनिंग नहीं है। मैं आपको इनका भी मीनिंग बताऊंगा कैसे ये चीजें होती हैं, पर कोशिश ये करनी है कि आपको अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड नाम सर्च करना है। सेम ऐसे दिखा दूसरा, यूज समथिंग दैट इज नॉट टू जेनरिक, बहुत कॉमन नाम नहीं लेना है, बहुत इजीली पड़े आपको ऐसे तो ये अवेलेबल भी नहीं मिलेंगे, पर आपको कोशिश करना थोड़ा सा स्पेसिफिक हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में आए। थर्ड पॉइंट देख रहे, यूज समथिंग दैट इज इजी टू टाइप एन नंबर, कोशिश यही करना है। आपने सुना एक शॉर्ट एंड स्वीट, तो हमें कोई भी एक बार वेबसाइट में विजिट कर ले, नाम याद हो जाए, उसको नाम नहीं भूलना चाहिए, हमें ऐसा नाम सर्च करना है। अब इसलिए क्या करना होता है, हमें अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपको भी मैं दिखाता हूं, प्रैक्टिकल भी दिखाता हूं कहां कहां से ये कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आप देख रहे, अवॉइड कॉपीराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें आपको 90% चांस ऐसे नाम मिलेंगे ही नहीं। जैसे अभी देखिए, आप देखो facebook.com अवेलेबल है, अब बोलो सर क्यों ना मैं फेसबुक से पहले कुछ ऐड करके ले लूं, तो ऐसे आपको अवेलेबल मिलेंगे ही नहीं, नहीं मिलेगा। आप बोलो सर facebook. हम ले लेते हैं NTR, नहीं मिलेगा, क्योंकि फेसबुक कॉपीराइटेड वर्ड है। आप बोलो सर google.gtp ले ले, नहीं मिलेगा, कॉपीराइटेड वर्ड है ये, है ना। और अगर सपोज करो कभी ऐसा होता है, आपको कुछ ऐसा अवेलेबल होता है और आपको देखना है कि वो ऐसा वर्ड कॉपीराइटेड तो नहीं है, अगर है तो आपको नहीं परचेस करना है, क्योंकि इसमें आगे चल के प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने कॉपीराइट ले रखा है, हमें बाद में ये नाम ये वेबसाइट उनको देनी पड़ सकती है, वो हम पे क्लेम कर सकते हैं। सेकंड लास्ट है अवॉइड हाइफन नंबर, जब भी डोमेन सर्च करते हैं या परचेस करते हैं, हम नंबर और हाइफन को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, पर कंपलसरी नहीं है। हाइफन तो आपको इग्नोर करना है, नंबर आप ले सकते हो। इससे क्या इफेक्ट होगा, देखो दो चीजें हैं। अगर आपके पास मार्केटिंग बजट बहुत अच्छा है, आप प्रमोशन करेंगे, आपके पास ऐसे बहुत अच्छे हैं कि हाँ मैं, होता ना कि लाख टू लाख 5 लाख 10 लाख में इन्वेस्ट कर दूंगा अपने ब्रांड को बनाने के लिए, उस केस में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे स्विगी जोमेटो, स्विगी का कोई मीनिंग नहीं है, पर इन्होंने इतना फेमस कर दिया है कि माइंड में जब भी स्विगी सुनते हो आता कि हाँ मुझे फूड डिलीवरी ऐप है, मार्केटिंग की है। ऐसे आपसे पूछा जाए 99 acre, 99 न्यूमेरिकल है या अल्फाबेट का, आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल है, क्यों, क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा मार्केटिंग किया है, इतना ज्यादा प्रमोशन किया है, इसलिए ये चीजें क्लियर अप हो जाती हैं। तो सेम आपको चीज देख रहा है, बजट बहुत अच्छा है तो प्रॉब्लम नहीं है, बजट थोड़ा सा कम है तो हमें इन पॉइंट्स में ध्यान रखना है। सेम ऐसा आप देख पा रहे, चूज अ .com व्हेनेवर पॉसिबल, रीजन ये है आप ओपन करते हो google.com, पर हमेशा ओपन होता है google.in, क्योंकि .com हमारा सबसे फर्स्ट है। जब भी कुछ आता है हमेशा माइंड में आता है wikipedia.com, google.com, facebook.com, instagram.com, तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी .com है। पर कई बार अगर ना मिले तो हम .in पे भी जा सकते हैं, इन सब का एक स्पेसिफिक मीनिंग है।